अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल। चैनल प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट वन है इस वीडियो का, तो अगर एक से दो ज़्यादा बनते हैं तो मैं ज़रूर बनाऊंगी ताकि आप लोग जो है अच्छी प्रेजेंटेशन साथ पेपर कम्प्लीट करें, और मैं शॉर्ट वीडियोज़ बनाऊंगी ताकि जल्दी जल्दी अपलोड हो जाए, साथ साथ आप देखते जाएँ और आप लोगों का फ़ायदा हो। तो उर्दू का पेपर है और इसमें प्रेजेंटेशन जो है बहुत मैटर करती है। प्रेजेंटेशन नहीं होती उर्दू में तो फिर आप लोगों के मार्क्स जो है कम आते हैं, और टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होती है, जो मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले जो है मार्कर देख लें, सिंपल आपको हर दफ़ा बताती हूँ, दो मार्कर है यहाँ पर पाकिस्तान में, लाहौर में और लाहौर के यानी पंजाब में, तो इजीली अवेलेबल है, बाकी डिस्ट्रिक्ट का मुझे तो आइडिया नहीं है। तो 605 कट मार्कर अगर नहीं है तो मैंने आप लोगों को कट मार्कर की कटिंग भी सिखाई थी, तो आप चैनल में विजिट कर लें। तो मैंने इसमें सिंपल कटिंग सिंपल मार्कर फॉर कट मार्कर के नाम से वीडियो बनाई हुई है, तो आप जल्दी सिंपल मार्कर पकड़ कर उसको कट मार्कर ईजिली बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आप हेडिंग दे दें इंशाइटर्स, और मैं आप लोगों को बताऊँगी जिसमें प्रेजेंटेशन ज़्यादा ज़रूरी है, जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें आप प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी रखें, क्योंकि उसमें जो है मार्क्स एग्जामिनर ने अपनी तरफ से देने हैं आपको। ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जैसे इस आप लोगों के पेपर में है जुमलों की तकनीक, जुमलों की दुरुस्तगी और मुख्तसर सवालात के जवाब आते हैं, उसमें चाहे आप इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं भी रखते तो कोई मसला नहीं, क्योंकि उसमें अगर आपने ठीक दिखे आपको मार्क्स फुल मिल जाएंगे। लेकिन बाकी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबक का खुलासा, दरख्वास्त वगैरह, उसमें प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है ताकि आपको मार्क्स फुल मिल सकें। ठीक है, इंशाई तर्ज या इंशाया तर्ज की आप हेडिंग दे दें, जैसा कि आपके पेपर में लिखा होता है सबसे पहले से, यानी सब्जेक्टिव टाइप उर्दू में कहते हैं इसको। इसके बाद जो है आपने हिस्सा अव्वल करना है, हिस्सा अव्वल की आप साइड पर भी हेडिंग दे सकते हैं या सेंटर में दे दें आप। आप पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, आप जिस मर्जी राइटिंग के साथ अटेम्प्ट करें, लेकिन आप लोग जो है पैटर्न फॉलो करें कि आपने ऐसे लिखना है सेंटर में। हिस्सा अव्वल की हेडिंग दे दी इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आप जो है सवाल नंबर दो आप लोगों का है, क्वेश्चन नंबर टू, मैंने 605 कट मार्कर से दिया है, मैं आप लोगों को बताते हुए समझाते हुए लिखी हूँ, इसलिए वो लिख रहे हैं, लिखा जा रहा है आपको दिखेंगे, जल्दी जल्दी स्पीडीली लिखना। सवाल नंबर दो है इशार की तशरीह, ठीक है, इशार की तशरीह की हेडिंग देना चाहते हैं दे दें, नहीं तो डायरेक्ट आप आ जाएँ हिस्सा नज़म पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर टू है कम्प्लीट इशार की तशरीह का, मैं आपको परफेक्ट बताऊंगी कि आपने क्या क्या प्रेजेंटेशन में लिखना है। ठीक है, तो इसमें से आपने क्या अडॉप्ट करना है, क्या स्किप करना है, अपनी राइटिंग अपनी स्पीड के अकॉर्डिंगली, वो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, अगर आपने नहीं इशार की तशरीह लिखना तो स्किप कर दीजिए, डायरेक्ट हिस्सा नज़म हिस्सा गज़ल पे आ जाएँ। ठीक है, तो मैंने इशार की तशरीह की हेडिंग दे दी कि जी इसमें शेरों की तशरीह होनी है इस क्वेश्चन में। इसके बाद हम आ जाते हैं हिस्सा नज़म की, आप सब हेडिंग बना सकते हैं मार्कर से 604 से। ठीक है, अब मैंने हेडिंग दिया कि जी अब पहले हिस्सा नज़म की तशरीह करने लगे हैं। ठीक है, अब हिस्सा नज़म इसमें आपने तीन को इस शेर की तशरीह करनी है। ठीक है, तो नंबरिंग के साथ दे दें या आप नंबरिंग, क्योंकि आपने टाइम का भी ख्याल रखना है तो इतनी प्रेजेंटेशन के साथ साथ टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, तो आप बस मुनासिब मुनासिब सी प्रेजेंटेशन करें कि प्रेजेंटेशन भी आ जाए और साथ में आप लोगों का पेपर भी कंप्लीट हो जाए। आप हिस्सा नज़म स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब आप तशरीह करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई शेर सेलेक्ट कर लिया, तो आप जल्दी से उसको कंप्लीट मत लिखिए, जस्ट एग्जामिनर के पॉइंट, मतलब एग्जामिनर को आइडिया दे दें कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो कौन सा शेर आप सेलेक्ट करके तशरीह करने लगे हैं, कोई भी आप लोगों का शेर है आप उसे लिखें, उसके पहले तीन या चार लफ्ज़ लिख के आप डॉटेड लाइन लगा दें, ये देख के एग्जामिनर को पता लग जाएगा जी हिस्सा नज़म में आप इस शेर की तशरीह करने लगे हैं। ठीक है, करके यहाँ पे आप तशरीह की हेडिंग दे दें। ठीक है, स्टार्टिंग में जो है हेडिंग्स आएंगी, उसके बाद जो है आपका पेपर जल्दी जल्दी कवर होगा, बिल्कुल स्लो मत नहीं चलना आपने, ये ना हो आप 5-10 मिनट इसी पे इस लगा दें, मैं तो बस समझाने के लिए आप लोगों को ज़रा स्लो लिखी, मैं खुद लिखूँ तो मैं जल्दी जल्दी इसको लिख देती हूँ। तो शेर लिखी, यहाँ से आपने स्टार्ट कर देनी है इस शेर में। ठीक है,
सोन, ठीक है। और आपने जस्ट, मैंने आपको लेंथ बता दी थी 5 to 6 लाइंस में एक पैसेज बना के जस्ट उसकी तशरीह कर दे, बट एंड में आपने कोई शेर वगैरह कोट करना है रेफरेंस में तो कर दे, नहीं तो कोई मसला नहीं, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आपने कोई शेर ऐड करना है तो इसकी तशरीह कम्प्लीट हो जाए तो लाइन मत स्किप करें, करना चाहते हैं तो कर लें। तो आप नेक्स्ट पर फिर ऐसे ही जैसे आपने कोई शेर चूज़ करना है तो आप लिख दें, दो जो भी आप लोगों को वहाँ पर शेर आया होगा आप उसकी 3 वर्ड्स से 3 मिनिमम रखना, ठीक है। 3 से 4 वर्ड्स लिखें बस टोटल लाइन, ये जस्ट एग्जामिनर को एक आइडिया देने के लिए कि जी आप इस शेर की तशरीह कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर जो है वो इजीली समझता जाएगा और वो रिलैक्स रहेगा, कंफ्यूज नहीं होगा और अच्छे मार्क्स देगा आपको। इस तरह फिर आपने इसमें शेर की तशरीह कर दी इस शेर में, ठीक है। सो ठीक है, इस तरीके से आपने हिस्सा नज़म कर लेना। इसके बाद इसी तरह आपने आ जाना, जब आपने यहाँ समझे शेर से तशरीह कर ली है तीनों की, यहाँ पे अब आप आ जाएँ 604 से ही दे दें क्योंकि मेन हेडिंग जो है हमने 605 से दी हुई है। आप हिस्सा गज़ल की हेडिंग दें, सेंटर में दीजिए ताकि एग्जामिनर देख कर जी अब आप लोग जो है हिस्सा गज़ल स्टार्ट करने लगे हैं। हिस्सा गज़ल में भी आपने सेम वे ही पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। इसी तरह आप जो है वो शेर लिखेंगे साइड पे करके कि थोड़ी सी स्पेस छोड़ दें, बस 3 से 4 वर्ड्स जो है आप लिख लें, तशरी, ठीक है। फिर आपने बिल्कुल इस हेडिंग के एंड से जैसे यहाँ में यहाँ से स्टार्ट करके तशरीह कर देनी है 5 to 6 लाइंस में, ठीक है। इंशाल्लाह इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट में बाकी जो है मैं क्वेश्चंस बताऊंगी। मैं वीडियो इसलिए शॉर्ट बना रही हूँ ताकि आप लोग जो है जल्दी जल्दी मैं अपलोड कर हो सके, एक टाइम ना लें अपलोडिंग में और आप लोग देख लें, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं आप लोगों को बाकी क्वेश्चंस के साथ साथ जो है प्रेजेंटेशन बताऊँगी। कोशिश करूँगी बस 2 से 3 वीडियो ही बने, इससे ज़्यादा मत बने ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। 5 मिनट लगते हैं, 5 से 6 मिनट लगते हैं आप लोग को देखने में, आप लाजमी इसको देख लें ताकि आपके दिमाग में एक प्रेजेंटेशन बैठ जाए, आप लोग जो है पेपर में जाते हुए इस तरह इस तरीके से अटैम्प्ट करें हो सके तो। अगर आप लोग पास टाइम है, क्योंकि उर्दू में तो जाहिर सी बात है सारा जो है आप लोगों ने अपनी क्रिएटिव राइटिंग करनी होती है, जिसको कॉन्सेप्ट बिठाना होता है दिमाग में, तो आप लाजमी पेन मार्कर पकड़ के एक दफ़ा इस तरह प्रैक्टिस कर लें। सारी चाहे डिटेल मत लिखें पर इस तरह लिख के देख लें ताकि आप लोगों के लिए एकदम एग्जाम्स में बैठ के ये न्यू ना हो, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अच्छे एग्जाम्स दीजिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।